कुछ दिन पहले जो मैंने अनशन जयपुर में किया था वो सिर्फ इस मांग को लेकर किया था कि जब कांग्रेस पार्टी हम सब लोग विपक्ष में थे तब बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और बहुत सारे आरोप लगे थे करप्शन के, भ्रष्टाचार के, बहुत से स्कैंडल्स हुए थे, तो उनकी एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए ऐसा हम लोगों का मानना था और हम लोगों ने खुद ज्ञापन दिए थे गवर्नर साहब को, राष्ट्रपति जी को कि जांच होनी चाहिए। अब सरकार हमारी बनी है, अब 4 साल से ज्यादा हो गए, मैंने पूर्व में चिट्ठियां लिखी थी लेकिन कुछ कार्रवाई हो नहीं पाई, इस वजह से मैंने अनशन किया था और अनशन मेरा वसुंधरा जी की सरकार के कार्यकाल में जो करप्शन हुआ, जो हम लोगों ने बहुत से प्रमाण इकट्ठे किए थे उस वक्त, तो उस पर अगर होता तो लोग मैं समझता हूँ उसको अच्छा मानेंगे क्योंकि हमारी कथनी करनी में फर्क ना हो, ये विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है और अब चुनाव में बहुत समय बचा नहीं है, इसलिए करप्शन के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, तो काम होने चाहिए क्योंकि हम लोगों ने अब बाकी केसेस जो हैं करप्शन के उस पर कार्रवाई हुई है। मैं समझता हूँ शायद जोधपुर में भी जो प्रकरण हुआ है सोसाइटी वाला, हाँ उस पर कार्रवाई, उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन वो तो 2019 के बाद की बात है। हम लोगों ने जो वोट मांगा था वो इस बात पर मांगा था कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में उनके उनके संरक्षण में जो करप्शन हुआ है उसकी जांच कराएंगे, बाकी अगर कोई करप्शन का इश्यू सामने आता है और सरकार कार्रवाई करती है तो मैं तो हमेशा उसका स्वागत करता हूं, बल्कि और तीव्र कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ये आज का झुंझुनू का कार्यक्रम बहुत पहले से बना हुआ था और जो मेरी बातें हैं मैंने पहले भी दिल्ली में कई बार जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी लीडरशिप है उनको बता रखी है, सब बातों को जानते हैं। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि मैंने जो आवाज़ उठाई है, जो मैंने एक मुद्दा उठाया है उसका निराकरण हो, क्योंकि ये सबके हित में है, प्रदेश के हित में है, पार्टी के हित में, सरकार के हित में है और भाजपा का जो करप्शन है उसके खिलाफ राहुल गांधी जी इतनी बार आवाज़ उठा चुके हैं, तो जेपीसी की मांग हुई है पार्लियामेंट के अंदर जिसके कारण एक षड्यंत्रकारी रूप से राहुल जी के सदस्यता को समाप्त किया गया, ये बहुत बड़ा इशू है और हम लोग हमेशा भाजपा की जो करप्शन है उसको एक्सपोज करने का काम करते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, तो राजस्थान में भी जो हुआ उसका एक लॉजिकल एंड तक ये जांच पहुंचे, इस मांग को लेकर अपनी बात कर रखा मैंने। आपने साइमल्टेनियस प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे, पार्टी का प्रोग्राम हो रहा है 1-to-1 और ये एक और कार्यक्रम है, तो आपने पार्टी हाईकमांड को बताया था कि आप एक शहीद की मूर्ति लग रही है, बहुत लंबे समय पहले मेरे से प्रोग्राम इन्होंने लिया था, हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, तो मेरा तो कार्यक्रम पहले से निर्धारित था लेकिन जब भी मैं दिल्ली गया था कुछ दिन पहले वहाँ भी संवाद हुआ और मैंने बात को जो आज आपके सामने रखी वो बात को मैंने दिल्ली में भी रखा। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।